हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3.6 के पहले के जो 6 प्रश्न हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम बाकी के जितने भी अब प्रश्न बचे हुए हैं उस सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर देख लेना, ताकि आगे के जो आज का प्रश्न है वो समझने में आसानी हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न जो है पहले का 7वां, 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई बराबर 4, 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जैसे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 गुणा 1 अपॉन में x प्लस वाई, है ना, क्योंकि वापस जब हम गुणा करेंगे तो 10 गुणा 1 10 ही तो हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, मान के चलो तो 10 और इसको ए मान लिए तो इसको 10 ए लिख सकते हैं, समझ गए ना। यही तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, माना कि 1 अपॉन में x प्लस वाई बराबर ए, उसी प्रकार से 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर हम क्या मान लेंगे, बी। और इसको भी हम कोई समीकरण मान लेते हैं, समीकरण जो है 3। अब समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, रखने पर। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने समझाया 10 अपॉन में x प्लस वाई को 10 ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 ए हो गया। और यहाँ पर फिर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर क्या माना है, b। तो ऊपर 2 है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, और बराबर कितना है यहाँ पर, 4, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ना, इधर भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो कॉमन लेकर हम छोटा कर लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया 5, है ना, 2 5 10, और ये 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गया b बराबर 4। तो इस प्रकार से 5 प्लस बी, देखो ये 2 से 4 को काट देते हैं दो बार में, तो यहाँ पर जो है 5 प्लस बी बराबर क्या बच गया, 2। और इसको मान लेते हैं समीकरण 3 तक तो हो गया, समीकरण 4 मान लेते हैं। उसी प्रकार से 15 अपॉन में x प्लस वाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 ए और यहाँ पर माइनस 5 का बी, क्योंकि 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर बी है, और बराबर कितना है, माइनस का 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब अगर हम विलोपन विधि अप्लाई करें तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, तो अगर हम इनमें 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। या फिर b को अगर बराबर करना है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तब किसी को एक को विलुप्त कर सकते हो विलोपन विधि द्वारा, या अगर प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, या वज्रगुणनखंड विधि से कर सकते हो। फिलहाल में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि विलोपन विधि से आपको सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों क्या करना है कि मैं a को हटा रहा हूँ, ठीक है, विलुप्त कर रहा हूँ, तो इसमें 3 से गुणा करता हूँ, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 4 गुणा, समीकरण 4 गुणा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 15 करने के लिए। और फिर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना, समीकरण 5 को, क्योंकि समीकरण 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 5 ए में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 ए, प्लस है तो प्लस का निशान, और फिर 3 में बी से गुणा करेंगे तो 3 बी, ठीक है, और 2 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 6, और क्योंकि 5वें को माइनस करना है तो डायरेक्ट हमें लिख देना है ना, 15 ए और माइनस क्या है, 5 का बी, है ना, और बराबर माइनस का 2। तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो 15 ए में से 15 ए लेस हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ एक प्लस है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 का भी, है ना, ये 8 का भी हो गया, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8, और 8 जो गुणा में तो इधर आकर भाग में लग जाएगा, यानी b बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख लो, जैसे 4 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण 4 में
रखने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और जिससे ये जो इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर समीकरण चार है, पाँच ए प्लस बी, पाँच ए प्लस बी का मान कितना है वन, डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि प्लस बी है तो बी के जगह पे हमने वन रख लिया, बराबर टू हो गया। तो पाँच ए बराबर, ये प्लस का वन है, इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक, और पाँच यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड में, तो b का मान तो 1 प्राप्त हो गया और a का मान एक ओपन में 5 प्राप्त हो गया। अब इस a और b का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण तीन में, ठीक है। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है इसलिए मैंने इसके लिए अलग वीडियोस बनाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण तीन में, समीकरण तीन में a और b का मान रखने पर, तो समीकरण तीन में रखते हैं a और b का मान, तो वन ओपन में x प्लस वाई, वन ओपन में x प्लस वाई बराबर a है, तो वन ओपन में x प्लस वाई, और a का मान हमने कितना निकाला है, वन ओपन में पाँच, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर पाँच। अब इसको भी आपको क्या करना होगा, समीकरण मानना पड़ेगा, तो पाँच तक तो हमने मान लिया है, इसको छः मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही एग्जाम में आपके नहीं आएंगे ये प्रश्न, लेकिन क्योंकि आपके एक्सरसाइज में है, करना है, तो इसलिए आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से वन अपन में x माइनस वाई बराबर बी है ना, वन अपन में x माइनस वाई बराबर बी है, और b का मान कितना है वन है, वन अपन में x माइनस वाई बराबर वन, कुछ नहीं तो वन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा वन। तो ये समीकरण छः हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण सात, ठीक है। अब समीकरण छः और सात को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, समीकरण छः और सात को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर एक्स और वाई का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर वाई प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण छः प्लस समीकरण सात से, है ना। तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस वाई बराबर पाँच और एक्स माइनस वाई बराबर वन, माइन यहाँ प्लस करना है ना, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स, और पाँच और एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा छः, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा छः ओपन में दो, क्योंकि दो गुणा में तो भाग में लग जाएगा यहाँ पे, और ये तीन प्राप्त हो गया, एक्स बराबर कितना है तीन। अब एक्स का मान समीकरण छः या सात किसी में भी रख लो, तो x का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो 6 क्या है समीकरण कि x प्लस वाई बराबर पाँच। अब x का मान 3 हमें प्राप्त है, तो 3 प्लस वाई बराबर पाँच, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, प्लस का 3 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस गया तो 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या प्राप्त हो गया 3 और y का मान 2, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इस प्रश्न के आंसर हो गए, ठीक है। दोस्तों प्रश्न जो आठवां है सेवन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर है कि वन ओपन में 3x प्लस वाई प्लस वन ओपन में 3x माइनस वाई बराबर 3 ओपन में 4, और वन ओपन में 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई माइनस वन ओपन में 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई बराबर माइनस वन ओपन में 8 है। तो ये तो सही है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पे देखो दो दो जो है हम कॉमन ले सकते हैं, दो यहाँ से, तो ये 8 जो है कट जाएगा। तो हम एक बार वन ओपन में 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा वन ओपन में 3x प्लस वाई माइनस वन ओपन में 3x माइनस वाई बराबर माइनस वन ओपन में 8। तो देखो दो क्योंकि दोनों नीचे है तो काट सकते हो, तो यहाँ पर जो है वन ओपन में 3x प्लस वाई माइनस वन ओपन में 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ओपन में 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक, और ये हो गया समीकरण दो। अब यहाँ पर क्या मानना है, तो ये पूरे वैल्यू को मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, माना कि वन ओपन में 3x प्लस वाई बराबर a और वन ओपन में 3x माइनस वाई बराबर b, और इसको समीकरण तीन मान लेंगे। अब समीकरण तीन का मान समीकरण एक और दो में क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण तीन का मान समीकरण एक और दो में, ठीक है, दो में
रखने पर, तो रखते हैं तो यहाँ पर वन अपन में एक्स, वन अपन में थ्री एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना है ए, और यहाँ पर क्या है प्लस वन अपन में थ्री एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना है बी, बराबर कितना हो गया तीन अपन में चार। उसी प्रकार से समीकरण दो में ये हो गया वो ए, लेकिन यहाँ पर माइनस है और ये हो जाएगा बी बराबर, ठीक है माइनस वन अपन में चार, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फोर और इसको मान लेते हैं समीकरण फाइव। तो विलोपन विधि कर लेते हैं, आसान है ना, ये देखो प्लस माइनस है यानी यहाँ पे प्लस कर देते हैं समीकरण चार प्लस समीकरण पाँच, है ना। तो जब a प्लस बी बराबर तीन ओपन में चार और a माइनस बी बराबर माइनस वन ओपन में चार, जब प्लस करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया कट गया, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और जब इसको हम करेंगे देखो यहाँ पर कितना है थ्री ओपन में फोर और यहाँ पर है माइनस वन ओपन में फोर, तो चार LCM हो गया और तीन में से गया तो दो, तो यहाँ पर ये दो एक बार में और ये दो बार में, तो एक ओपन में दो आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर एक ओपन में दो लिख देता हूँ, राइट। तो ए बराबर क्या हो जाएगा वन ओपन में टू, और ये टू मल्टीप्लाई में है तो ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया वन ओपन में फोर, तो ए बराबर हो गया वन ओपन में फोर। अब ए का मान किसी भी समीकरण में रख लो, तो हम समीकरण इस चौथे में रखते हैं ना, ए का मान समीकरण चार में रखने पर, तो जब ए का मान समीकरण चार में रखोगे तो वन ओपन में फोर प्लस बी बराबर थ्री ओपन में फोर आएगा, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो ओपन में चार यानी कट के वन ओपन में दो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा, आप देख लेना, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो तीन में से गया तो दो, दो अपन में चार हो जाएगा तो वन अपन में टू हो जाएगा। तो हमने ए और बी का तो मान प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें तो एक्स और वाई का मान प्राप्त करना है, तो हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। अब इस मान को ए और बी के मान को समीकरण तीन में रखेंगे, तो इसको रब कर देता हूं और यहां पर अब लिख रहा हूं ए और बी का मान समीकरण, ठीक है, ए और बी का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो देखो वन ओपन में थ्री एक्स प्लस वाई, वन ओपन में थ्री एक्स प्लस वाई बराबर क्या है ए है, और वन ओपन में थ्री एक्स प्लस वाई बराबर ए का मान हमने कितना प्राप्त किया है वन ओपन में फोर, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर फोर, और इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, अब तक हमने पाँच मान लिया है तो इसको मान लेते हैं छः, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए एक्स वाई को तो मान निकलेगा नहीं, है ना। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है आपके इस एक्सरसाइज का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वन अपन में थ्री एक्स माइनस वाई बराबर क्या है बी हमने माना था, तो वन अपन में थ्री एक्स माइनस वाई बराबर बी का मान कितना निकाला हमने, बी का मान वन अपन में टू निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एक्स माइनस वाई बराबर दो में एक से गुना करेंगे तो दो हो गया, ये हो गया समीकरण सात। अब देखो समीकरण छः और सात को प्लस कर देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, या फिर माइनस भी कर सकते हैं। तो फिर वापस इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर लिख लिया करो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब दोस्तों क्या करते हैं समीकरण छह और सात को, ठीक है, समीकरण सिक्स प्लस सेवन कर देते हैं, तो थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस वाई बराबर फोर, और थ्री एक्स माइनस वाई बराबर कितना है टू, राइट। तो जब प्लस करेंगे तो चिन्ह जो है नहीं बदलता, तो वाई से वाई कट गया, तीन और तीन कितना हो गया छः एक्स, और चार और दो कितना हो गया छः, यानी एक्स बराबर छः ओपन में छः, क्योंकि गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो छः को छः से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा वन। तो हमने एक्स का तो मान प्राप्त कर लिया, अब वाई का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स का मान समीकरण या तो हम छः में रख देते हैं या फिर सात में, है ना, समीकरण छः में
रखने पर। तो जब समीकरण 6 में रखोगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 है, 3x प्लस वाई बराबर 4 है, x का मान 1 है तो 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 जो इधर आकर माइनस हो जाएगा और वाई बराबर भी क्या प्राप्त हुआ 1। देखो कितना मेहनत करने के बाद में फिर x बराबर 1 और y बराबर 1 प्राप्त होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे का पहला है, वैसे दूसरा जो प्रश्न है आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको हल करना है जो हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरे का पहला प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि मान चलो नदी में तैर रही है तो नदी का जो बहाव है मान के चलो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो धारा के अनुकूल यानी जब धारा का है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर तैर सकती है और तैर भी सकती है क्योंकि धारा का भी तो स्पीड उसके साथ ऐड होगा ना, है ना। जब आप नदी में या फिर कहीं भी जब आप तैरते हो और धारा के साथ तैरोगे तो आपकी स्पीड और तेज हो जाती है ना। लेकिन अब आपको कहा जाए कि आप धारा के विपरीत तैरो, यानी धारा इधर जा रही है और आपको इधर तैरना है, तो आपको क्या करता है ये धारा जो है रोकती है ना। तो यही इसमें कहानी है कि अगर धारा के अनुकूल जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत डायरेक्शन में अगर वो तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल भी ज्ञात करनी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ऋतु की शांत जल में, ठीक है, शांत जल में या फिर स्थिर जल में, ठीक है, आपके जो प्रश्न है वही लिख लो। तो स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और आवर है तो x किलोमीटर पर आवर माप लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और हमें क्या करना है धारा की चाल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो अगर शांत जल में आप x की स्पीड से जा सकते हो और साथ में धारा भी मिल जाए तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रश्न से x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई ये क्या है चाल है और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। यहां पर लिख देता हूं चाल बराबर दूरी अपॉन में समय, है ना, 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो चाल यानी x प्लस वाई ये लिख लेते हैं धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 20 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 2 घंटा, इसको जब काटेंगे तो 10 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लो समीकरण 1। और धारा के विपरीत है ना, यानी धारा के प्रतिकूल, तो जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो मान चलो x की स्पीड से और नदी का बहाव इस डायरेक्शन में, ठीक है, y की स्पीड से, तो आपको क्या करेगा रोकेगा, यानी कि आप इसकी स्पीड को कम करेगा यानी लेस करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे x माइनस वाई लेंगे। और यहाँ पर कितनी दूरी है 4 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 2, तो ये कट गया, तो यहाँ पर जो है x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कोई मुश्किल प्रश्न भी नहीं है, आसानी प्रश्न है ना। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को हम प्लस कर देते हैं, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो जब 1 और 2 को प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 2। तो देखो प्लस करेंगे तो y प्लस का और माइनस का खत्म, ये x और x क्या हो गया 2x और 10 और 2 कितना होता है 12, तो x बराबर 12 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 6, यानी कि ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, x बराबर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान कितना हो गया 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 हो गया, यानी क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया जो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन इसको सही तरीके से लिखेंगे है ना, इसलिए ऋतु की स्थिर यानी शांत जल में तैरने की चाल कितना हमने माना है x है ना, x माना है, तो x का मान कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल है ना, तो यहां पर लिखेंगे धारा की चाल बराबर y माना है, तो y का मान कितना प्राप्त किया हमने 4। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। काफी इजी प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब करते दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात क्या करना है कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी और इस पूरे कार्य को करने में पुरुष जो है कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा करेगी है ना, x दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष इसी कार्य को ठीक है y दिन में पूरा करेगा। दोनों काम ने अलग अलग मान लिया जो हमें प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो x दिन में पूरा काम होगा, ठीक है, तो एक महिला एक दिन में, एक महिला ठीक है द्वारा लिख लेना, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो x दिन टोटल काम लेती है, तो एक दिन में क्या हो जाएगा 1/x, और उसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा ठीक है एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/y। इतना तो क्लियर हो गया ना, मान चलो महिला पूरा x दिन लेती है और पुरुष y दिन लेता है, तो एक दिन में 1/x और एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम करते हैं। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में क्या लिखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 2 महिलाएं, तो महिला का काम कितना है 2 × 1/x या डायरेक्ट 2/x लिख सकते हो, प्लस 5 पुरुष यानी कि 5/y, और काम क्या है 1 यूनिट काम हो रहा है ना, तो जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसको इधर ला देते हैं, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। और दूसरा क्या शर्त है, पुनः प्रश्न से लिखा गया है कि 3 महिलाएं यानी 3/x और प्लस 6 पुरुष है ना 6/y 3 दिन में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और काम तो भाई 1 यूनिट है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको 3 इधर ला देते हैं ना, तो 3/x प्लस 6/y बराबर ठीक है ये 3 गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे जैसे पहले प्रश्न का जो है पहला दूसरा तीसरा किए थे उस प्रकार का प्रश्न बन गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 और ठीक है 1 और 2 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में जब रखोगे तो ये 2 1/x का मान a है, तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस
पाँच बी बराबर वन अपन में चार है ना, इसको समीकरण चार मान लेते हैं और इसमें फिर रखते हैं थ्री ए और प्लस सिक्स बी है ना बराबर वन अपन में थ्री, इसको समीकरण पाँच मान लेते हैं राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी मान प्राप्त होगा उसको समीकरण तीन में रखेंगे और ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर विलोपन विधि यूज करेंगे तो इसमें तीन से गुणा करना पड़ेगा और इसका दो से गुणा करना पड़ेगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं समीकरण चार मल्टीप्लाई तीन है ना, चार में तीन से मल्टीप्लाई और माइनस पाँच मल्टीप्लाई दो है ना, करते तीन से गुणा तो तीन गुणा दो छः एक हो गया और ये हो गया पंद्रह बी और यहाँ पर तीन अपन में चार हो जाएगा और यहाँ पर दो से गुणा करोगे तो छः एक प्लस बारह बी बराबर दो अपन में तीन है ना, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, पंद्रह में से बारह गया तो तीन बी और इसको माइनस करोगे तो तीन और चार का एलसीएम कितना हो जाएगा बारह, यहाँ पे हम कर लेते हैं तो तीन और चार का एलसीएम बारह, ये हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा आठ, यानी कि वन अपन में बारह हो गया। तो इसको डायरेक्ट मैं वन अपन में बारह लिख देता हूँ तो बी बराबर क्या हो जाएगा तीन, यहाँ पर गुणा में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा यानी बारह गुणा तीन यानी वन अपन में छत्तीस प्राप्त हो गया राइट। बी बराबर वन अपन में छत्तीस प्राप्त हो गया, बी बराबर वन अपन में छत्तीस। अब बी का मान समीकरण ठीक है, समीकरण हम किस में रख लेते हैं पांच में रख लेते हैं ना, समीकरण पांच में रखने पर तो पांच में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया थ्री ए प्लस छ और बी का मान कितना है वन अपन में छत्तीस बराबर वन अपन में तीन। अभी देखो छ के टेबल वन और छ के टेबल छह बार में कट गया। अब मैं इसको भी रफ करने वाला हूं ठीक है, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं तो यहां पर हो गया 3a बराबर 1 अपन में 3 और ये प्लस का 1 अपन में 6 हो जाएगा तो इधर आके माइनस 1 अपन में 6 हो जाएगा राइट। a बराबर देखो ये 3 जो है गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा तो यहां पर भाग में लिख देता हूं और 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, यहां पर हो जाएगा 2 और माइनस 1 तो दो में से एक गया एक और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक और छः में तीन से गुणा करेंगे तो अठारह, यानी ए बराबर क्या प्राप्त हो गया वन अपन में अठारह और बी बराबर क्या हमने प्राप्त कर लिया है वन अपन में छत्तीस ठीक है। अब ए और बी का मान कहाँ पे रखेंगे इस समीकरण तीन में, क्योंकि यहीं से तो हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त होगा राइट। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ठीक है, समीकरण तीन में ए और बी का मान रखने पर तो देखो हमने क्या माना है वन अपन में एक्स बराबर ए और वन अपन में एक्स, ए का मान कितना प्राप्त हो गया वन अपन में अठारह, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स में वन से गुणा हो गया तो एक्स और अठारह में एक्स से गुणा होगा तो अठारह, यानी कि एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया अठारह और एक्स किसका माने थे महिला का तो महिला उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेगी है ना। उसी प्रकार से वन अपन में वाई बराबर बी है और वन अपन में वाई बी का मान कितना है 36 तो वाई बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 36 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक महिला उस कार्य को 18 दिन में और एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेंगे ठीक है। तो ये जो है इस प्रश्न के आंसर हो गए कि एक महिला 18 दिन में कंप्लीट कर लेगी और पुरुष 36 दिन में, यानी कि महिला स्पीड करेगी। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी जो है बस द्वारा तय करती है। पहला कंडीशन है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं और जब
वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस के द्वारा तय करती है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक का मतलब इस 4 घंटे से 10 मिनट और अधिक लग जाता है। तो रेलगाड़ी और बस के क्रमशः चाल ज्ञात करें। मान के चलो कि रूही यहाँ पर है ना, ए पॉइंट पर है, और ये इस बी पॉइंट पर क्या इसका घर है, ठीक है, हाउस है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और उसी तरीके से बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और बस की चाल y किलोमीटर, और दूरी कितना दिया गया है, दूरी बराबर है 300 किलोमीटर, और हमारे पास दोनों कंडीशन में समय दिया गया है। तो आप जानते हो कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन में चाल, है ना। तो इस फॉर्मूले का जो है हम यूज करने वाले हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, पहला कंडीशन क्या है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 60 दूरी हो गया और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक से प्लस है। अब देखो टोटल 300 है और 60 जब रेलगाड़ी से हो गया तो माइनस जब करेंगे तो आप कितने बचेंगे, 240। तो जो शेष बच गया 240 वो किसके द्वारा आ रही है, बस के द्वारा। तो बस का स्पीड क्या है, वाई, और कितने समय लग रहे हैं, 4 घंटे, है ना। और उसी प्रकार से जब हम दूसरा केस करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, और पुनः प्रश्न से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो यहाँ पर 100 अपन में x लिखेंगे और शेष कितना बच गया, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 200, तो 200 अपन में y। इसमें क्या होता है, 10 मिनट अधिक लेता है, तो ये तो घंटा है ना, आवर में है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, है ना। तो ये कट गया, जब इसको सोल्व करोगे तो आपका जो है 25 अपन में 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि 1/x और 1/y को हम a और b मान लेते हैं ना, पिछले वाले प्रश्न की तरह। इसको यहां पर रब कर देता हूं, लिखते हैं माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, और इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। तो समीकरण तीन का मान, समीकरण एक और दो में रखने पर, ठीक है। समीकरण तीन में जो हमने ये माना है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण एक और दो में रखेंगे। तो यहाँ पे 60 ओपन में x है, तो 1/x बराबर a हो गया, तो ये हो जाएगा 60a, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 240b बराबर 4, है ना। इसको और काटना है तो काट सकते हो, ये देखो 4 यहाँ पे कमन लेंगे, तो यहाँ पर बचा 15a और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 60b, है ना, बराबर हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है इसलिए मैं काटना चाहता हूँ। तो 4 से ही 4 कट गया, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो रहने देते हैं ना, क्योंकि हमें 600 करना है, तो इसको रहने देते हैं, आगे चल के हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 100 अपन में x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100a और प्लस 200, ठीक है, 200b बराबर 25 अपन में, ठीक है, 6 हो जाएगा समीकरण 5। अब देखो बराबर करने के लिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 60 है, तो अगर यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 मल्टीप्लाई, देखो मुझे इसको 600 करना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और माइनस समीकरण 5 मल्टीप्लाई 2, है ना, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 6, तो 100 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 600 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, हमें तो विलोपन करना है। तो
चार में जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 600a हो जाएगा और ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा ना, और चार में फिर 10 से गुणा करेंगे तो 40, और माइनस करना है। समीकरण पाँच में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600a, ये हो गया प्लस, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 1200b, और बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से जब गुणा करेंगे तो 6, आप देखो यहाँ पे 25 अपन में 6 है और 6 से गुणा करो तो 6 से 6 कट गया तो क्या बचेगा 25, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो 600a से 600a माइनस हो गया, 2400 में 1200 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1200b, और 40 में 25 माइनस करेंगे तो 15, इतना क्लियर। तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 1200, जब आप इसको काटोगे तो 1 अपॉन में 80 होगा, ठीक है। आप जब इसको काटोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन में 80, ठीक है। ये तो हो गया b का मान। अब b का मान जो है किसी समीकरण में रख देते हैं, b का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण चार में, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं b का मान समीकरण चार में रख देते हैं, ठीक है। चार में रखने पर तो क्या है 60a प्लस 240b, बी का मान कितना है 1 अपॉन में 80 और बराबर कितना है 4, तो 80 को ये तीन बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 60a बराबर, अब ये तीन में एक से गुणा करेंगे, तीन प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 और 60 हो गया भाग में, तो a बराबर क्या प्राप्त हो गया 1 अपॉन में 60 और b बराबर प्राप्त हो गया 1 अपॉन में 80। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, हमें तो x और y का मान यानी रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो a और b का मान किसमें रखना है, इस वाले समीकरण में, है ना, समीकरण तीन में रखने पर। तो 1 अपॉन में x बराबर क्या है, a है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में x बराबर a का मान कितना है 1 अपॉन में 60, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से 1 अपॉन में y बराबर b है, तो 1 अपॉन में y और b का मान कितना हमने निकाला है 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इतना क्लियर। अब फाइनली हम आंसर लिखेंगे, और आंसर को किस प्रकार लिखेंगे, अब देखो रेलगाड़ी की चाल को हमने क्या माना था x और बस की चाल को y, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x माना था और x का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और बस, ठीक है, बस की चाल की क्या माना था हमने y, और y का मान कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है इस प्रश्न के आंसर हो गए, है ना। यानी यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कम है, बस की चाल ज़्यादा है, रेलगाड़ी हो सकती है कि जगह जगह पे स्टेशन पे काफ़ी जो है लेट चल रही होगी, है ना, रुक रुक के चल रही होगी, और बस अपना लगातार ले जा रहा होगा। चलो कंडीशन कोई भी हो, ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो आंसर, है ना। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.6 के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टफ है लेकिन आप इसको बार बार रिविजन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए वीडियो जो है अपलोड करता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि चौथा चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।